नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम जो बीए बीएड और बीएससी बीएड की आज कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है, पहली कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट, तो वो कब तक आएगी और कैसे चेक करना है आपको, यानी कि आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला या कैसे चेक करना, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके जो पीटीटी 2 वर्षीय और 4 वर्षीय हर काउंसलिंग में आपके स्टेप वाइज कैसे अपवर्ड मूवमेंट होता है, कैसे क्या करें, हर एक प्रॉब्लम का समाधान और हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, सही नहीं लगे तो आप वापस अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात आज आपको बता दूं कि शेड्यूल के हिसाब से आज आपकी कॉलेज लिस्ट आ जाएगी। देखो, अलॉटमेंट आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग जो 21/10/2021 है, यानी कि आज आपकी काउंसलिंग की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और सबसे मेन बात कि कब तक आपके पास ये लिस्ट देखने को आपको मिल सकती है, तो जो सबसे ज़्यादा चांस है वह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का। ठीक, इस टाइम जो पीटीटी है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो 11 बजे से 2 बजे तक आपकी लिस्ट जारी की जा सकती है। लेकिन अगर किसी कारणवश प्रॉब्लम होती है तो ये समय शाम का 4-5 भी बज सकते हैं और 7 भी बज सकते हैं, शाम को या रात को भी जारी हो सकती है। लेकिन जो सबसे मेन जो टाइम है वो है 11 बजे से 2 बजे तक, यानी दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक आपको लिस्ट देखने को मिल सकती है। इसमें 99% चांस है कि आपके 11 बजे से 2 बजे के बीच में लिस्ट मिल जाएगी आपको, बाकी अगर बहुत कम चांस है कि शाम तक आपको वेट करना पड़े। ठीक, दूसरी बात कि कॉलेज मिलने के बाद में आपको बताइए 22,000 रुपये फीस जमा करवानी है 21 तारीख से 25 तारीख तक, और फिर रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग पिछली बार हुई थी वो हुई थी ऑनलाइन, 2019 तक ऑफलाइन रिपोर्टिंग होती थी, लेकिन 2020 में कोरोना के कारण कॉलेज बंद थे तो वहाँ पर क्या ऑनलाइन रिपोर्टिंग हुई थी, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने थे और फिर अप्रूव मिल रहा था जो कॉलेज है उसकी तरफ से। लेकिन इस बार अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी रिपोर्टिंग, हालांकि जो ऊपर निर्देश दिए हुए उनमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो अभी आपका जो अलॉटमेंट स्टेटस आएगा उसमें अलॉटमेंट लेटर निकलेगा आपका, उस अलॉटमेंट लेटर में आपके नीचे पूरे निर्देश दिए होंगे कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है, आपको ऑफलाइन करनी है या ऑनलाइन करनी है। फिर आपको अगर एक बात अपवर्ड मूवमेंट चाहते हो आप, यानी कि कॉलेज चेंज करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहली बात कॉलेज चेंज करने के लिए जो आपको अभी कॉलेज मिलेगी आज, उसमें रिपोर्टिंग करनी है, फीस जमा करानी है, डॉक्यूमेंट जमा करानी है, यानी कि पहले वहाँ से आपका एडमिशन कंफर्म होगा पहली कॉलेज से, तभी आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हो। और फिर अगर कॉलेज चेंज होती है आपकी, तो सारे डॉक्यूमेंट और जो फीस है वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, और आपकी जो अगर नहीं होती है कॉलेज चेंज, तो आपको पहले वाली कॉलेज ही रहेगी। अब कि कैसे चेक करना है आपको, तो जैसे आप जो ये 4 ईयर बीए बीएड और बीएससी बीएड पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर देखो बीए बीएड वालों के लिए यहाँ ऊपर कहीं ऑप्शन आएगा, और जो बीएससी बीएड है यहाँ पर ऑप्शन आएगा जो पिछली बार के हिसाब से आएगा, अलॉटमेंट स्टेटस। ठीक है, अलॉटमेंट स्टेटस नाम से या फिर प्रिंट अलॉटमेंट लेटर नाम से आपका यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप जो भी डिटेल मांगे वो डालकर देख सकते हो कि आपको कॉलेज मिली या नहीं मिली। दूसरी बात कि पहली लिस्ट लिमिटेड सीटों पर जारी होगी, ऐसा नहीं है कि आपको पहली लिस्ट में नहीं मिली तो आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगी, कम से कम 4-5 लिस्ट जारी होगी, तो आप वेट कर लेना, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में जरूरी नहीं है कि सभी को कॉलेज मिले, और ना ही 100% सीट पर फर्स्ट लिस्ट जारी होती है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें। बाकी आपको स्टेप वाइज मैं आपको बताता जाऊंगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, एक बार सब्सक्राइब करें, आपके हर एक स्टेप पर कैसे अपवर्ड मूवमेंट होता है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, सही नहीं लगे आपको तो वापस अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन एक बार सब्सक्राइब करके जरूर देखें। ठीक है, तो इस हिसाब से रहने वाला है, तो आज 11 बजे से 2 बजे के बीच में सबसे संभावित है, 11 बजे से 2 बजे के बीच में यहाँ आपको आपकी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, और जैसे लिस्ट जारी होगी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कितने नंबर वालों तक को कॉलेज मिली है। और कई बार ऐसा भी होगा कि कम नंबर वालों को मिल गई और ज़्यादा नंबर वाला रह गया, वो भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि ऐसा भी कैसे होता है और कैसे आपको आगे की प्रक्रिया करनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो 11 से 2 बजे तक आपकी लिस्ट आने के सबसे ज़्यादा चांस है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी शाम को 4-5-6 भी बच सकते हैं, लेकिन 11 से 2 का वेट करें, और जैसे लिस्ट जारी होगी उसके बाद में और वीडियो बनाकर बता दूंगा कैसे आपको आगे की प्रक्रिया पर जानना है। तो धन्यवाद बने जीवा स्टडी के साथ, लाइक से सब्सक्राइब जीवा स्टडी।